ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि कुछ लोगों का साथ मिला, कुछ लोगों की शिक्षा मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ कि हाँ पैरों पे खड़ा होया जा सकता है। आएंगी ये विद्यालय के प्रांगण से आएंगी, माता पिता के अच्छे संस्कारों से आएंगी, तो ये सब चीजें मिलकर के एक अच्छा चरित्र का निर्माण करती है और एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बच्चों को आगे करती है। अच्छे महापुरुषों की जीवनी आपको जब भी आपको क्या आजकल आपको पता है मोबाइल के ऊपर बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, बहुत सारा डिजिटल मीडिया के ऊपर आप देखते हो कि बच्चे मोबाइल पे टीवी पे टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे बेटर है कि आप एक्स्ट्रा टाइम में या तो आउटडोर एक्टिविटी करें, कोई गेम खेले, या फिर किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़े। जो महापुरुषों की जीवनी आप पढ़ते हो बार बार में, तो वो इनडायरेक्टली उनके चरित्र का एक अंश आपके अंदर चला जाता है और आपका जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है वो भविष्य की सक्सेस के लिए तैयार होता है। शुरू से ही इस स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज जो देख रहा हूँ ये स्कूल जो है, मैं जिले का नहीं बल्कि हरियाणा के 10 स्कूलों में मैं इसकी काउंट करता हूँ कि ये हरियाणा में जो है इतने, क्योंकि इस स्कूल से मैंने अपने भाषण में भी बताया था कि इस स्कूल की जो प्रोडक्ट है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ये स्कूल प्रोडक्ट कर रहा है। ये विद्यालय जैसे तालीम और तहजीब दो चीजें हैं, तालीम मीन शिक्षा और तहजीब संस्कार। हम तालीम के साथ साथ यहाँ बच्चों को तहजीब भी देते हैं। हमारे स्कूल के लगभग 10 बच्चे आउट ऑफ कंट्री हैं आज। यही प्रार्थना करते हैं सुगन सर से, या जय मॉडर्न स्कूल के नाम से नहीं, सुगन के स्कूल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आज तक मैंने इतनी भीड़ जो मॉडर्न स्कूल में देखी ना, आज तक नहीं देखी। जी शिक्षा ली हमने जय मॉडर्न मिडिल स्कूल होता था जब मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा था यहाँ पे, और आज स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक पहुँच गया है। ये नाम बेटा दीपेश, कौन सी क्लास में पढ़ा है? 9वीं। सुगनाला स्कूल कितना बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा भाई, चुकर बढ़िया लगा, बहुत अनुशासन, इसमें बढ़िया स्कूल है, अच्छी पढ़ाई हो भाई। मैं लेड़ेगा जी, लेड़ेगा हाँ। कौन सी क्लास में बेटा? 9th में, 9th में जी, 9th में हाँ। आज वो प्रोग्राम हो रहा था, कितना बढ़िया लगे? बहुत बढ़िया लग गया जी। ना मिल लिया तुमने कहे ना? हाँ जी भाई, वो डिस्ट्रीब्यूशन ना होया खेल का, हमने दिन में भाग लिया। अगली बार तेरा नाम ले लेगा? हाँ अगली बार जरूर ले लेंगे। ले लोगे? लोगे खेल में, पढ़ाई में क्या नाम लोगे? किसी भी चीज में आ सके ही नाम, खेल में भी आ सके, पढ़ाई में भी, इसमें फिजिकल एजुकेशन में भी जी। हाँ मेरा नाम हरस। हरस हरस आप कौन सी क्लास में पढ़ो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आज अपने फंक्शन में कैसा लगे? आपके भैया ने इनाम मिलने लग रहे, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखो भाई ये स्कूल के ओनर बच्चे हैं, और भी दिखाएंगे आप। मेरे पोते को पढ़ते 12 साल हो गए, 8वीं साल में लोगे, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब 8 साल हो गए पोते ने पढ़ते? सही पढ़ाई में ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। छोटे का भी नाम लिखवा दिया, लिखवा दिया छोटे का भी, लिखवा दिया। हाँ अच्छा, दो टाइम होशियार आपका बच्चा? हाँ दोनों होशियार मेरे पास होशियार हैं। कोई और भी बात करेंगे जी? कहाँ से हो जी? खरमान गांव से। खरमान से हो, कितने बच्चे पढ़े आपके यहाँ पे? मेरे तो अब एक भी नहीं पढ़ता, पहले दो पढ़े थे। पढ़े थे? हाँ जी। अब क्या कर रहे हो बच्चे? एक तो पॉलिटेक्निक कर रहा है यमुना नगर से, एक ही बैठी है केवी में पढ़ रही है प्लस टू में। तो कैसा लग रहा है आपको स्कूल का अनुभव? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बच्चे कामयाब हो जाते हैं? हाँ जी हो जाते हैं जी। आज सभी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। राम राम बेटा। क्या नाम आंटी जी? कृष्णा। कहाँ से हो आप? दुलेडा से। अच्छा कितने साल से आप स्कूल के बारे में जानते हो? कैसा स्कूल है? मैं तो बेटा छोटे छोटे मेरे छोटे बच्चे है ना, वह भी अड़े पट्टे। हाँ नवीन कुमार जी, वो बी एस एफ में है। बच्चे आज कामयाब आपके स्कूल यहाँ पढ़ के? बिल्कुल कामयाब है। अरे उसके बच्चे भी तीन वड़े पटनवा, मतलब कई पीढ़ियां पढ़ ली स्कूल में। हाँ भाई मैं भी इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, आज आपने काफी जानकारी देंगे स्कूल के बारे में, टीचर आते ही बात करेंगे। राम राम आंटी जी। राम राम बेटा। राम राम। आप कहाँ से आंटी जी? दाबोदे। दाबोदे से। आपके बच्चे पढ़ते हैं? पोता। पोता पढ़े? कैसा पढ़ाई में? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर का। अच्छे नंबर ले आओ? हाँ खूब ले आओ। खेल कूद में भी सही है? हाँ। क्या नाम पोते का? निकू।
राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल दुलेड़ा के अंदर है और अपने स्कूल में हूं मैं भाई। कई बंदे 18,000 यूट्यूब पर पूछा कहाँ पढ़ाई करी थी मैंने, तो मैं यहाँ पे ही पढ़ाई करी थी इसी स्कूल में, जय मॉडर्न मिडिल स्कूल होया करता यो। यो लगभग 1980 में इसकी स्थापना हुई थी जब ये मिडिल स्कूल था, आज जूनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया और हम यहाँ पढ़ लिख के बड़े हो गए। बात करेंगे आज स्कूल के बारे में भी और गुरु जी भी खड़े हैं मेरे पास में खड़े, मैं कैमरा मैन को कहूँगा एक बार मेरे गुरु जी दिखा दो। नमस्कार गुरु जी। गुरु जी आज कितनी खुशी है, आज एनुअल फंक्शन था, 44वां फंक्शन था। ये मेरे को बेहद खुशी है, इसमें आप जैसे मेरे होनहार विद्यार्थी और दूसरे बहुत सारे विद्यार्थी जो सैकड़ों की संख्या में दूसरे देशों में सरकारी नौकरियों में अपने बिजनेस में लग के जनता की सेवा कर रहे हैं और अपना भी जीवन व्यापन कर रहे हैं, मैं आज मेरे को बड़ी खुशी है कि ये संस्था ऐसे ही चली आज और आगे भी चलती रहे दौड़ती रहे। जी भाई इस संस्था में जो भी पढ़ लिख के गया चाहे वो दुकानदार हो लेकिन ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, ये स्कूल ईमानदारी का प्रतीक बताया जा रहा है। और हमारे दादाजी उमेद प्रधान जी बारा जो यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित थे, इनसे भी दो बात पूछेंगे। नमस्कार दादा। नमस्कार बेटे। आज कितनी खुशी है स्कूल को लेकर, इतने साल हो गए, 44 साल हो गए यहाँ पे। मैं शुरू से ही इस स्कूल के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज जो देख रहा हूँ ये स्कूल जो है, मैं जिले का नहीं बल्कि हरियाणा के 10 स्कूलों में मैं इसको काउंट करता हूँ कि ये हरियाणा में जो है इतने, क्योंकि इस स्कूल से मैंने अपने भाषण में भी बताया था कि इस स्कूल की जो प्रोडक्ट है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ये स्कूल प्रोडक्ट कर रहा है और वो बच्चे जो है ना मतलब बड़े होनहार होते हैं जिन जो सभी जिंदगी के सभी क्षेत्र में जो है वो कामयाब होते हैं और जीवन में सभी जिंदगी के सभी पहलुओं में वो नौकरी कर रहे हैं और इस गांव हमारे गांव खेड़ के दुलेड़े का ही नहीं बल्कि हरियाणा का ही नहीं हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे मेरी आशा है और भगवान से प्रार्थना है कि ये स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी करती रहे, तरक्की करती रहे और हरियाणा में इसका नंबर 1 स्थान हो, ये मेरी इच्छा है, भगवान से प्रार्थना। भाई आपको बता दूं मैं स्कूल के स्टूडेंट का ख्याल नहीं रखा जाता बल्कि समाज को भी सभी वर्गों को लेकर, हमारे जो गुरुजी हैं सुगन शर्मा जी वो हर समाज में हर जगह सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं चाहे वो मंदिरों का हो भंडारे का हो चाहे किसी दुख सुख में हर चीज में आगे पाते हैं। अपने सुगन शर्मा जी हैं जो गुरुजी हैं, जितेंद्र सर जी हैं छुड़ानी से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज के दिन जो आज का सारा कार्यक्रम था उन्होंने ज्यादा संभाला। नमस्कार भाई सर। नमस्कार जी। युवाओं के लिए कोई संदेश? सबसे पहले सागर खेड़ का के सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं वे हमारी विद्यालय की तरफ से राम राम। भाई दिनेश जी पिछले 4-5 साल से हमारे स्कूल के लगभग 100 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे गए हैं और जैसे कि हमारे बड़े सर सुगन शर्मा जी ने बताया हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध हैं। ये विद्यालय जैसे तालीम और तहजीब दो चीजें हैं, तालीम मीन शिक्षा और तहजीब संस्कार, हम तालीम के साथ साथ यहाँ बच्चों को तहजीब भी देते हैं। सुबह उठकर हमारे सभी बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, धरती माता को नमस्कार करते हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पर हमारे बच्चे गए हैं। हमारे स्कूल के लगभग 10 बच्चे आउट ऑफ कंट्री हैं आज, जिनके पेरेंट्स आज यहाँ आए हुए थे, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात, एक टीचर के लिए एक स्कूल के लिए इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं होता, एक अध्यापक ही प्रोफेशन में ऐसा होता है जो अपने बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ता देखना चाहता है। इस स्कूल के स्टूडेंट ने हिमालय पर्वत पर भी झंडा फहराया है। भाई मैं आपको बता दूं कुलदीप देसवाल जो दुलेड़ा गांव से थे, दुलेड़ा गांव से सरपंच जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार प्रधान। नमस्कार। आज कितनी खुशी है सभी सामाजिक संगठनों का यहाँ मान सम्मान किया है। बहुत ज्यादा खुशी है और हमें यह बहुत प्रशंसा होगी जो इस स्कूल का जो इतना अच्छा माहौल है, जो यहाँ का वातावरण है बहुत ही सराहनीय काबिल है और हम यही प्रार्थना करते हैं सुगन सर से, या जय मॉडर्न स्कूल के नाम से नहीं सुगन के स्कूल के नाम से ज्यादा जाना जाता है और हम गुरुजी से यही प्रार्थना करते हैं जैसे आपने पहले बच्चों का भविष्य बनाया आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही भविष्य बनाते जाए जिससे हमारे समाज का गाँव का नाम रोशन हो। जी संजय शर्मा जो समाज सेवी भी हैं और सरपंच भी रह चुके हैं, 5 साल सेवा दे चुके हैं और हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं चाहे गवांड का खेल कूद का प्रोग्राम हो किसी भी प्रोग्राम में आगे पाते हैं, आज भी यहाँ पे पहुंचे हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। नमस्कार। संजय शर्मा जी स्कूल के बारे में 2 शब्द कहिए। भाई स्कूल को मैंने 7 साल सरपंची की है
मैंने इतना अच्छा स्कूल और इतना अच्छा माहौल यहाँ पे मैंने कहीं नहीं देखा। मैं काफी स्कूलों में भी गया हूँ, वहां पर भी देखा है मैंने, लेकिन जो यहाँ का फंक्शन है, जिस तरह बच्चे विदेश भी गए हुए हैं, बच्चों ने सौ बच्चे यहाँ पे नौकरियां ले चुके हैं, सरकारी नौकरियां भी लग चुके हैं, अपने बिजनेस में भी हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है जय मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। मैं तय दिल से मैं अपने गाँव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और पंडित राधे श्याम जी, पंडित राधे श्याम जी हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, बड़े हैं, इनसे भी दो बात करेंगे, समाज सेवी भी हैं। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आज तक मैंने इतनी भीड़ जो मॉडर्न स्कूल में देखी ना आज तक नहीं देखी जी। जो शकुन मास्टर जी है ना, इनका इतना प्यार है छत्तीसगढ़ बिरादरी से कि जो भी बालक दाखिला लेता है ना वो पढ़ लिख कर अफसर बनता है, खिलाड़ी भी बनता है और जो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा प्यार छत्तीसगढ़ बिरादरी में जो शकुन मास्टर जी दे रहे हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं देता छत्तीस बरादरी में है इसका। दादा हमने भी देखा कई बार गरीबा के बच्चे भी पीछना होती है, दस दस साल रुक जाए। बिल्कुल। तो इसलिए जो गरीब के बच्चे भी आते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं खूब, खेलों में भी, खेलों में पहला इनाम लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ट्वेल्थ में जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको संभालना बहुत बड़ी बात। बिल्कुल संभालना है उनको, क्योंकि यहाँ कंट्रोल बहुत बढ़िया है, बढ़िया और स्टाफ में बहुत तालमेल है, प्यार करते हैं सब जी। तो इसलिए बहुत बढ़िया जो है स्कूल है, बहुत ही बढ़िया है जी। आगे की उपलब्धियां प्रधान जी खड़े हमारे पास में, समाज सेवी भी हैं संजय शर्मा जी। शर्मा जी क्या उपलब्धियां आगे? मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, जिस बच्चे के माता पिता कमजोर हालात है उनको किताबें भी दी जाती है, उनको फ्री में पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पे यूं नहीं है कि फीस लेकर आएगा तभी स्कूल में बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्री भी पढ़ो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, किताब भी ले आके देते हैं और फीस दो दो साल चार चार साल में जो जैसे बच्चा प्लस टू कर लेता है तब तक आते हैं जी। पैसे तो भाई आने वाला भविष्य देख सको आप, स्टेज पे ये बच्चे हैं सारे किसी न किसी खेल में, गाने बजाने में, हर चीज में आगे भाग ले हुए हैं। और हम भी इसी स्कूल से शिक्षा लेकर यहाँ तक आए हैं भाई, 18,000 सब्सक्राइब है जो हमें पसंद करते हैं, इसी स्कूल में शिक्षा ली हमने। जय मॉडर्न मिडिल स्कूल होता था जब मैं आठवीं क्लास तक पढ़ा था यहाँ पे, और आज स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच गया है। और आगे भी हम भगवान से ये विनती करते हैं, स्कूल दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की करे जी। आगे छोटे भाई हैं, जय भगवान जी। नमस्कार जी। भाई हमें छोटे छोटे पढ़ा करते घर में, स्कूल था और वहां मिलते रहो थे, आज इनके दोनों बच्चे सक्सेस हैं, बात करेंगे एक बार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। भाई मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ, और हमारे स्कूल में जो है यानी कि यूं लगा लो कम से कम भी 100 नहीं कम से कम भी हजारों बच्चे सक्सेस हो चुके हैं। दो तो इस स्कूल के पढ़े हुए डॉक्टर बन चुके हैं, और एक जो है तहसीलदार बच्चा लगा हुआ है, दो बच्चे खुद मेरे जो है एक यूएस और एक कनाडा गया हुआ है। तो इस स्कूल ने जो है शुरू से ही ऐसी नींव बच्चों को देते हैं जो आगे जाके या तो अफसर लाइन में जाते हैं या बहुत अच्छे उस पर बिजनेस में या अच्छे जो है अच्छी सर्विस प्राप्त करते हैं। तो मैं जो है ऐसा भाइयों से अनुरोध है कि आके एक बार देख के और अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए अच्छे से अच्छे जो है इस स्कूल के अंदर अपना बच्चों का भविष्य बनाएं। भाई भविष्य शिक्षा के साथ साथ आचरण भी यहाँ पे, और खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा, सर्विस भी लगे हैं बच्चे, जैसा हमारे चाचा जी ने बताया कामयाब स्कूल है ये, एक गुरुकुल की भांति समाज में सेवा भी दे रहा है और बच्चे भी गुरुकुल की भांति आचरण भी सीख रहे हैं यहाँ पे, जैसे पहले गुरुकुलों में होता था वैसा ही ज्ञान यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो भाई हम आते जाते यहाँ से देखते रहते हैं, हमारे पास में स्कूल है बिल्कुल जी। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, और स्कूल के बारे में कमेंट जरूर लिखियो, और शकुन शर्मा के बारे में भी कमेंट जरूर लिखियो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।